तो आज हम आए हुए हैं ईशा आश्रम के अक्षया किचन में, जहां हर दिन लगभग 12,000 लोगों के लिए सात्विक भोजन तैयार किया जाता है। यहां भोजन की तैयारी से लेकर उसके परोसने तक हर कार्य में सेवा और समर्पण की भावना समाई हुई है। तो आइए हम आपको ले चलते हैं इस अनोखे सफर पर। अक्षया किचन में ट्रेडिशनल फायरवुड सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। इस बड़े से मशीन में लकड़ियां जलाकर स्टीम प्रोड्यूस की जाती है। मशीन से निकली हुई ये स्टीम पाइप के द्वारा सीधा किचन तक जाती है और यहाँ पे सब कुछ स्टीम पे ही कुक किया जाता है, जो हेल्दी तो होता ही है, साथ में इको फ्रेंडली भी होता है। सो ये है किचन का वेजिटेबल कटिंग सेक्शन। यहाँ सुबह से लेके शाम तक लगभग 80 से 90 वॉलंटियर्स और सेवादार मिलकर ताजा सब्जियों की कटिंग करते हैं। ये सब्जियाँ ईशा आश्रम के सात्विक भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ मशीन से कोकोनट को ग्रेट किया जाता है। सात्विक भोजन में कोकोनट का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इस रसोई में प्याज और लहसुन का उपयोग नहीं होता, इसलिए यहाँ की रसोई का बेस कोकोनट ही होता है, जो हर एक डिश को पोषक और स्वादिष्ट बना देता है। और ये है इनकी ऑटोमेटिक रोटी मेकिंग मशीन, जिसमें गर्मा गर्म फुल्का रोटी बनके बाहर आती है। और जिस दिन भोजन में रोटियां परोसी जाती है, उस दिन 12,000 से भी ज्यादा रोटियां बनाई जाती है। और ये है किचन का बेकरी सेक्शन, जहां ब्रेड से लेके पाव, मफिन से लेके पफ, सब कुछ फ्रेश बनता है। आज यहाँ वेजिटेबल पफ बनाए जा रहे हैं, जो कि बहुत ही टेम्पटिंग लग रहे हैं। और ये है किचन का विशाल स्टोरेज एरिया। यहाँ 7 तरह के मिलेट्स, गेहूं, चावल और दाल का भंडार होता है, जो हर 15 दिन में रिफिल किया जाता है। यह है किचन का फ्रूट्स एंड वेजिटेबल स्टोरेज एरिया, जहाँ पे फ्रेश वाटरमेलन, बनाना, पम्पकिन, बीटरूट जैसे अनेक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को स्टोर किया जाता है। हर भोजन में एक फ्रूट भी परोसा जाता है, जो कि सात्विक आहार का एक जरूरी हिस्सा है। मैं आ चुका हूँ ईशा आश्रम के भिक्षा हॉल में, जहाँ पे जो भोजन है वो सर्व होता है। हमने आपको किचन का टूर करवाया अक्षया में, जहाँ पे मैसिव स्केल पे भोजन प्रिपेयर किया जाता है। और वहाँ पे अलग अलग सेक्शन है, वहाँ पे बेकरी है, वहाँ पे फ्रूट कटिंग सेक्शन है, वहाँ पे स्टोरेज सेक्शन है। तो आपको पूरा टूर दिखाया। अब यहाँ पे हम भिक्षा हॉल में हैं और यहाँ पे खाना सर्व होने जा रहा है। और ये देखिए, प्लेट्स लगाई जा रही है और मैट लग चुकी है। और एक बारी में 3,000 लोगों को खाना सर्व होगा। यहाँ पे सात्विक स्टाइल में यहाँ पे खाना बनता है, जिसमें कि ना अनियन होता है ना गार्लिक होता है, और काफ़ी हेल्थ के लिए और स्पिरिचुअली इसका काफ़ी सिग्निफिकेंस होता है। तो हम ये भोजन ट्राई करेंगे और आपको बताएंगे। सो अक्षत, मुझे बताइए आज भोजन में क्या क्या सर्व हो रहा है। सो भोजन में आज हमारे पास है फ्रूट वाटरमेलन, ओके, देन वी हैव ग्राउंडनट, ओके, देन दिस इज सुंडल, ओके, दिस इज कोरियल वेजिटेबल, ओके, वी हैव वाइट राइस, सांबर, ओके, पिकल ऑन दैट साइड, एंड देन वी हैव कर्ड राइस। कर्ड राइस। भिक्षा हॉल के द्वार खोल दिए गए हैं और लोग सुबह 10 बजे के भोजन के लिए हॉल में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ भोजन जमीन पर बैठकर ही किया जाता है। जो जमीन पर नहीं बैठ सकते, उनकी सुविधा के लिए यहाँ टेबल और चेयर की भी व्यवस्था की गई है। यहाँ के सात्विक भोजन में न्यूट्रिएंट्स और फाइबर कंटेंट की भरपूर मात्रा होती है, जिसमें ज्यादातर ताजा फ्रूट्स, सब्जियाँ, स्प्राउट्स, ग्राउंडनट्स और मिलेट्स शामिल होते हैं। यहाँ भोजन परोसने और प्राप्त करने में दोनों ही कामों में सेवा और आदर की भावना समाई हुई है। भोजन शुरू करने से पहले प्रार्थना की जाती है और प्रार्थना के बाद सभी लोग अपना भोजन शुरू करते हैं। मैंने यहाँ का भोजन खाया, जो कि बहुत ही पौष्टिक और स्वादिष्ट था। ये पचने में हल्का होता है, जिसे खाने के बाद सुस्ती की जगह ऊर्जा का अनुभव होता है। भोजन के बाद आपको अपनी थाली खुद ही धोनी होती है और उसे स्टैंड पर लगानी होती है। ये आत्मनिर्भरता और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना को बढ़ावा देता है। ये केवल एक भोजन नहीं है, ये आपके शरीर और आत्मा को
पोषण देने वाला एक अनमोल अनुभव है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।